क्वेश्चन नंबर टू, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन किया था सेम टू सेम वैसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं है। उसमें ये फॉर्मूला यूज हुआ था, अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो ये भी कर लोगे आप आराम से। कॉस थ्री थीटा हमारा इक्वल होता है 4 cos³θ माइनस 3 cos θ के। कुछ सेम सेम है कि नहीं? आप देखो 4 x³, यहाँ पे क्या है cos³θ माइनस माइनस 3 x है, यहाँ पे cos θ है। मतलब अगर मैं x की वैल्यू cos θ पुट करता हूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जो कि इसके इक्वल होता है कि नहीं? और cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब जो कहा है वो चेक करते हैं वैसा हम, तो चेक करेंगे तो लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू क्या करना है cos θ पुट करो इसमें। दिस इम्प्लाइज कि जो हमारा cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x है वो किसके इक्वल होगा? cos इनवर्स, जहाँ पर भी x हो वहाँ पे cos θ पुट कर दो। 4 cos x³ बना यहाँ पे, तो cos³θ माइनस माइनस 3 cos θ, जो कि हमारा इक्वल होता है cos इनवर्स फॉर्मूला से इसके इक्वल होता है cos³θ के, है कि नहीं? cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला 3θ। थीटा की वैल्यू क्या है निकाल लो यहाँ से, थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें। cos θ हमारा x के इक्वल था, cos को इस साइड ले जाओ तो हमें थीटा क्या मिलेगा, cos इधर आएगा तो cos इनवर्स x हमें थीटा के इक्वल मिल गया, है कि नहीं? cos को इस साइड लाओगे तो थीटा इज इक्वल टू cos इधर आके cos इनवर्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है? तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, तो पुट कर दूंगा यहाँ पे 3 cos inverse x। ये हमारी वैल्यू आई किसकी? इसकी। ये हमारा क्या था? राइट हैंड साइड था RHS, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था LHS, तो हमारा राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, है कि नहीं? इसके इक्वल आ गया ना, तो हम लिख देंगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है? तो हमने प्रूव कर दिया। ओके okay?